तो वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। कोर्ट की ओर से साफ कह दिया गया है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति का जो आदेश दिया गया था वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, बल्कि इसकी हर दिन आपूर्ति की जाए। किलर कोरोना का ये खूनी खेल कब खत्म होगा? कब देश कोरोना मुक्त होगा? क्या फिर से वही समय वापस लौटेगा जैसा कोरोना काल से पहले हम बेफिक्र होकर जीते थे? ये वो सवाल है जो हर इंसान के मन में है। हर कोई इनका जवाब तलाश रहा है, लेकिन जवाब सिर्फ वक्त है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले हर दिन डरा रहे हैं। देश में हर दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जो हर किसी के लिए चिंता का विषय है। और इससे भी ज्यादा डराने वाली, परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना के मरीज सांसों के लिए तरस रहे हैं। बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी सरकार खत्म नहीं कर पा रही, इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के ही हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ऑक्सीजन की कमी को लेकर लताड़ लगा चुका है। लगातार ऑक्सीजन की कमी पर कोर्ट की नजर है। अब फिर दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। कोर्ट ने कहा है दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का जो आदेश दिया गया था वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, केंद्र हर दिन कम से कम इतनी आपूर्ति करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा आदेश पारित करना पड़ सकता है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई न कर पाने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। केंद्र की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि केंद्र रात 12 बजे तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को पहुंचाए। अगले दिन यानी गुरुवार को ही सुनवाई में केंद्र ने ये बताया कि दिल्ली को 730.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच को बताया केंद्र ने एक बार फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। गुरुवार को दिल्ली को 527 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिला। आज भी अभी तक आ रही सप्लाई बहुत धीमी है, ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली को पूरी आपूर्ति मिल पाएगी। इसे सुनते ही जज नाराज हो गए। उन्होंने केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, अगर हमने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आदेश दिया था तो वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था। ऐसा नहीं चल सकता कि आप एक दिन कोर्ट को खुश करने के लिए कह दें कि आदेश का पालन कर लिया गया है। कोर्ट ने आगे कहा, आपने कल टैंकर की कमी समेत तमाम बातें कही थी, लेकिन इससे चलते आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं कर सकते। जो आदेश दिया गया है उतना ऑक्सीजन दिल्ली को दीजिए, हमें सख्त आदेश देने के लिए विवश मत कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।